क्वेश्चन टू, राइट द नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट. फर्स्ट 932 into 6 वर्टिकल फॉर्म में लिखना है. 6 2 12, 6 3 18, 18 + 1 19, 6 9 54, 54 + 1 55. देन 5 हियर एंड 5 कैरी ऑन, बट आगे कोई नंबर नहीं है तो 5 एज इट इज. देन प्रोडक्ट इज 5592. 471 into 5 1 5 = 5, 5 7 = 35, 5 4 = 20 + 3 = 23, बट आगे कोई नंबर नहीं है तो 2 एज इट इज. देन प्रोडक्ट 2355, 784 into 8, 8 4 = 32, 8 8 = 64, 64 + 3 = 67, 8 7 = 56, 56 + 6 = 62, बट आगे कोई डिजिट नहीं है तो 6 एज इट इज. देन प्रोडक्ट 6272. नेक्स्ट 672 into 9, 9 2 = 18, 9 7 = 63 + 1 = 64, 9 6 = 54, 54 + 6 = 60, then 0, 6 carry on, but आगे कोई नंबर नहीं है तो 6 as it is. then answer is 6048. 553 into 7, 553 into 7, then 7 3 = 21, 7 5 = 35, 35 + 2 = 37, 7 5 = 35, 35 + 3 = 38, आगे 3 बट कोई डिजिट नहीं है तो 3 एज इट इज. देन प्रोडक्ट इज 3871. नेक्स्ट 608 into 5, 5 8 = 40, देन 0, 4 कैरी ऑन, 5 0 = 0, बट 4 प्लस करेंगे तो 4, 6 5 = 30, 0, 3 कैरी ऑन, बट कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज. देन प्रोडक्ट इज 3040. नेक्स्ट 892 into 8, 892 into 8, 8 2 = 16, 8 9 = 72, 72 + 1 = 73, 8 8 = 64, 64 + 7, 71 1, 7 carry on and 7 as it is. Then answer 7136. 734 into 6, 6 4 = 24, then 4 to carry on, 6 3 = 18, 18 + 2 = 20, 0 to carry on, 6 7 = 42, 42 + 2 = 44, 4 4 carry on, but कोई डिजिट नहीं है तो 4 as it is. 4404. 198 into 9, 9 8 = 72, 9 9 = 81, 81 + 7 = 88, then 8 8 carry on, 9 1 = 9, 9 + 8 = 17, then 7 1 carry on, but कोई number नहीं है तो 1 as it is. then product 1782. next 932 into 4, 932 into 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, then 2 1 carry on, 4 9 = 36 + 1 = 37, then 7 3 carry on, but आगे कोई डिजिट नहीं है तो 3 as it is. then answer 3728. exercise 5.4, question 1, fill in the empty boxes. multiply करना है 28 into 10. फर्स्ट ऑफ ऑल, राउंड फिगर नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो जो जीरो के अलावा जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है,
यानी 28 × 1 28, यहाँ पे 10 है तो पीछे 10. 146 × 10 तो 146 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 आंसर आएगा, बट 10 तो लास्ट में 10 यानी 1460. 59 × 100 100 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट 59 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59, और यहाँ पे 20 है तो पीछे 20 ऐड करने हैं, जितने 0 होंगे पीछे उतने 0 ऐड करने हैं. 312 × 100 तो 312 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 एज इट इज़ और पीछे 20 लगाएंगे तो आंसर आएगा 31,200. 77 × 1,000 तो 77 × 1 = 77 और पीछे 30 यानी 77,000. 892 × 1,000 तो 892 और पीछे 30 यानी 892,000. 64 × 10 = 6,400. 64 के पीछे कितने 0 है, 20, 100 से मल्टीप्लाई किया होगा. 187 × 10 = 1,870. पीछे कितने 0 है, 1, देन 10 से मल्टीप्लाई किया होगा. 30 390 × 10 फर्स्ट ऑफ ऑल 39 × 1 = 39. यहाँ पे 39 के पीछे भी 0 है और 1 के पीछे भी 0 है तो टोटल 1 और 1 = 20 है तो आंसर में 20 लगाना है. नेक्स्ट 564 × 10 = 564,000. 564 के पीछे 30 है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा. 10 × 100 = 92,000. यहाँ पे 20 है बट आंसर में कितने 0 है, 3, देन 920. 92 और 10 और यहाँ पे 20, टोटल 30 हो गए. 931 × 100 तो 931 और पीछे 20 यानी 93,100. नेक्स्ट रेस्टोरेंट परचेज 16 बॉक्सेस ऑफ केचप स्केच. ईच बॉक्सेस कंटेन 96 केच. हाउ मैनी केचप स्केच इन टोटल डीड द रेस्टोरेंट परचेज. टोटल 16 बॉक्स लेते हैं और एक बॉक्स में 96 केच है तो कितने स्केचेस हुए वो फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ स्केच इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 96. एक बॉक्स में कितने स्केच है, 96. देयरफॉर नंबर ऑफ स्केचेस इन 16 बॉक्सेस इज इक्वल टू 96 × 16. एक बॉक्स में 96 स्केच है तो 16 बॉक्स में कितने स्केच हुए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 96 × 16. 96 को 16 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. यहाँ पे 2-डिजिट नंबर को 2-डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 × 6 = 36. 3 carry on. 6 × 9 = 54. 54 + 3 = 57. आगे कोई डिजिट नहीं है तो 57 यहीं पे लिखेंगे. नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 0 लेंगे. 1 6 = 6 and 1 9 = 9. 3 प्लस नहीं करना है क्योंकि 3 हमने पहले प्लस कर दिया, फिर दोनों को प्लस करना है. 6 + 0 = 6. 7 + 6 7 + 6 = 13. Then 3, 1 carry on 5. 1 + 5 = 6. 6 + 9 = 15. Then answer is 1536. 1536 sketches. Next question 6. फ्रेम अ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद से बनाने हैं. आपको क्वेश्चन दिया है 11 × 5 तो वर्ड प्रॉब्लम आप क्या लिख सकते हो, अपने मन से कोई भी लिख सकते हो, मीनिंगफुल होनी चाहिए. वन हैंड हैज़ 5 फिंगर, एक हाथ में 5 फिंगर्स है. हाउ मैनी फिंगर्स आर देर इन 11 हैंड्स तो 11 हैंड्स में कितनी फिंगर हुई तो उसके लिए हमें 11 × 5 करना पड़ेगा तो ये वर्ड प्रॉब्लम. नेक्स्ट 19 × 8 एन ऑक्टोपस हैज़ 8 legs. एक ऑक्टोपस जो होते हैं उसके कितने लेग्स होते हैं, 8. हाउ मैनी लेग्स डू 19 ऑक्टोपस हैव.
तो 19 ऑक्टोपस के कितने लेग्स हुए, तो उसके लिए 19 इंटू 8 करना पड़ेगा। नेक्स्ट 37 इंटू 4, अब कार हैज़ 4 व्हील, एक कार में 4 व्हील्स होते हैं, हाउ मैनी व्हील्स डू 37 कार्स है, तो 37 कार में टोटल कितने व्हील्स हुए, तो उसके लिए क्या करेंगे 37 इंटू 4। नेक्स्ट 99 इंटू 5, और सेल्फ हैज़ 5 बुक्स इन वन रो, एक लाइन में 5 बुक्स रखी है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन 99 रोज, तो 99 रोज में कितनी बुक्स हुई, तो 99 इंटू 5 करना पड़ेगा। नेक्स्ट 170 इंटू 10 एंड 133 इंटू 12, ये जो दो क्वेश्चन है उसकी वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6, फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पिक्चर शोज अ स्टेशनरी शॉप, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया है, पिक्चर पे से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, पेंस 55 रुपीस, पेंसिल 32 रुपीस, ये जो है वो पैकेट के प्राइस है, क्रेयॉन्स 65 रुपीस, नोटबुक 43 रुपीस। क्वेश्चन, सीना बाइज टू नोटबुक्स, हाउ मच डज सी पे फॉर इट, टू नोटबुक्स लेती है, एक नोटबुक की प्राइस कितनी है 43, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज 43, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ टू नोटबुक इज इक्वल टू 43 रुपीज इंटू 2, यानी 43 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, 2 4 8, यानी कितने रुपीज़ हुए 86। नेक्स्ट अर्नब बाइज 3 नोटबुक्स एंड 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, हाउ मच डज ही पे फॉर इट, 3 नोटबुक्स लेता है और 2 पैकेट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज 43, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई 3, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, 3 4 12, यानी नोटबुक के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 129, द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज 32, therefore the cost of 2 packets of pencil is equal to rupees 32 into 2, 32 को 2 से multiply करना है, तो 32 multiply 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी 64 rupees total पे इज इक्वल टू रुपीज 129 प्लस रुपीज 64, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी ऑन, 6 प्लस 2 8, प्लस 1 9 एंड 1, टोटल 193 रुपीज पे करेंगे। सौम्या परचेज 1 नोटबुक, 3 पैक्स ऑफ पेंसिल एंड 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, लेटर सी फाइंड दैट सी इज नॉट कैरिंग इनफ मनी, सो सी रिटर्न 2 पैक्स ऑफ पेन्स, हाउ मच डज सी पे इन ऑल, 3 नोटबुक, 1 नोटबुक, 3 पैक्स ऑफ पेन एंड 2 पैक्स ऑफ पेंसिल, सी चीज लेती है, द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज 43, द कॉस्ट ऑफ 1 पैक ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज 55, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 पैक ऑफ पेन इज इक्वल टू
रुपीज़ 55 इंटू 3, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 फाइव ज़ा 15 प्लस 1 16, रुपीज़ 165। द कॉस्ट ऑफ वन पैक ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज़ 32। Therefore, the cost of two packs of pencils is equal to rupees 32 multiply 2. 32 multiply 2. 2 2 is 4, 2 3 is 6. Yani rupees 64. But, kya likha hai? सी इज़ नॉट कैरिंग इनफ मनी, उसके पास इनफ पैसे नहीं हैं ये सारी चीज़ें लेने के लिए, जितने पैसे चाहिए उसके पास नहीं है। सो सी रिटर्न टू पैक्स ऑफ पेन, पेन यानी टू पैकेट, पेन के टू पैकेट जो है वो रिटर्न कर रही है। हाउ मच डज सी पे इन ऑल, थ्री पैकेट्स ऑफ पेन इज इक्वल टू 65। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टू पैक्स ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज़ 55 इंटू 2, 55 इंटू 2 यानी रुपीज़ 110, यानी 110 रुपीज़ जो है उसको पे नहीं करने पड़ेंगे। देयरफॉर टोटल सी पे इन ऑल इज इक्वल टू नोटबुक जो है उसके 43 रुपीज़ पे करेगी, प्लस थ्री पैकेट पेंस के लिए थे उसके 165 पे करने थे, और पेंसिल के 64 रुपीज़ पे करने थे, बट उसमें से टू पैकेट्स जो है वो रिटर्न कर रही है, यानी 110 रुपीज़ उसको कम देने पड़ेंगे, यानी 43 प्लस 165 प्लस 64, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, यानी 2 1 कैरी ऑन, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, यानी 7 1 कैरी ऑन, 1 प्लस 1 2 माइनस 110, यानी 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 7 माइनस 1 6 एंड 2 माइनस 1 1, यानी उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 162 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, हनी परचेज 4 केजी मैंगोज कॉस्टिंग रुपीज 35 पर केजी, यानी 1 किलोग्राम मैंगोज की प्राइस है 35, वैसे 4 किलोग्राम ले रही है। सी ऑल्सो परचेज 2 बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरी कॉस्टिंग रुपीज 65 पर बॉक्स, एक बॉक्स के 65 रुपीज़ है ऐसे 2 बॉक्स स्ट्रॉबेरी के लिए। हाउ मच डिड सी पे इन ऑल, तो उसने कितने पैसे पे किए होंगे। तो फर्स्ट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज 35, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 4 केजी मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज 35 मल्टीप्लाई 4, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी ऑन, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, यानी 140 रुपीज़ मैंगो के लिए पे करेगी। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू रुपीज 65, स्ट्रॉबेरी के एक बॉक्स की प्राइस 65 है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 2 बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू, तो 2 बॉक्सेस की कितनी प्राइस होगी, तो 65 मल्टीप्लाई 2, यानी 65 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी ऑन, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 30, यानी स्ट्रॉबेरी के लिए वो 130 रुपीज़ पे करेगी। देयरफॉर टोटल सी पे, टोटल कितने पैसे पे करेगी, 140 रुपीज़ मैंगो के लिए,
एंड 130 रुपीस स्ट्रॉबेरी बॉक्स के लिए। 0+0 4+3 7 1+1 2 यानी टोटल 270 रुपीस वो पे करेगी। नेक्स्ट आरुषि परचेज 2 पैकेट्स ऑफ पेन्स, ईच पैकेट कंटेनिंग 15 पेन्स। 2 पैकेट्स ले रही है, एक पैकेट में 15 पेन्स है। सी गेव 12 पेन्स टू हर यंगर ब्रदर। 12 पेन जो है वो अपने बड़े भाई को दे, छोटे भाई को दे रही है, यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई। हर फादर गेव हर 5 मोर पेन्स। हाउ मैनी पेन्स डज सी हैव नाउ, तो अब उसके पास कितनी पेन हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पैकेट्स ऑफ पेन, ईच पैकेट कंटेन 15 पेन्स। एक पैकेट में 15 पेन्स है, वैसे 2 पैकेट्स लाती है। तो नंबर ऑफ पेन्स इन 1 पैकेट इज इक्वल टू 15। देयरफॉर नंबर ऑफ पेन्स इन 2 पैकेट्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2, 15 टू जा 13 पेन्स। उसके पास कितनी पेन्स हो गई, 13 पेन्स। उसमें से 12 पेन्स जो है यंगर ब्रदर को दे रही है। 13 पेन्स सी हैव माइनस अपने भाई को दे रही है, तो उसके पास कम हो जाएगी 12 पेन्स गेव हर ब्रदर, अपने भाई को दी। तो 13 माइनस 12 करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए बोरो करना पड़ेगा। 0 के ऊपर 10, 3 के ऊपर 2, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 1 1, 18 पेन्स उसके पास है। बट 5 मोर पेन्स उसके फादर उसको दे रही है, तो प्लस 5 पेन्स गेव हर फादर। 15 प्लस 5 8 प्लस 5 13, 1 कैरी ऑन 1 प्लस 1 2 यानी 23 पेन्स सी हैव नाउ। अब उसके पास कितने पेन्स होगी, 23। थैंक यू।